नमस्कार है दोस्तों, छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में तो आइए जानते हैं आज की प्रमुख बड़ी खबरों को फटाफट। तो वीडियो में अंत तक बने रहना दोस्तों। तो पहली बड़ी खबर है CCPL का आगाज 7 जून से। ओपनिंग मुकाबला रायपुर राइनहोज और बिलासपुर बुल्स के बीच। बॉलीवुड के कलाकार देंगे रंगारंग प्रस्तुति। छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ BCCI के IPL की तर्ज पर CCPL का आयोजन करने जा रहा है। छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ यानी CSCS इस आयोजन को खिलाड़ियों के लिए लाभप्रद बनाने की दिशा में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। इस भव्य आयोजन का रंगारंग आगाज 7 जून की शाम नया रायपुर के परसदा में बने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में होने जा रहा है। ओपनिंग सेरेमनी के चीफ गेस्ट CM विष्णु देव साय होंगे। साथ ही दर्शकों को आकर्षित करने के लिए ओपनिंग सेरेमनी के दौरान बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध सिंगर बी प्राक की प्रस्तुति भी रखी गई है। बताया गया है कि सिंगर बी प्राक के साथ लगभग 200 कलाकार परफॉर्मेंस करेंगे। CCPL के लिए CSCS ने 6 टीमें बनाई हैं। सभी 6 टीमों को प्रदेश के प्रमुख शहरों के नाम पर रखा गया है। 7 जून को केवल एक ही मैच खेला जाएगा, शेष दिनों हर दिन 2 मैच खेले जाएंगे। ओपनिंग मैच रायपुर राइनहोज और बिलासपुर बुल्स के बीच खेला जाएगा। अन्य टीमों के नाम बस्तर बाइसन्स, सरगुजा टाइगर्स, रायगढ़ लायंस, राजनांदगांव पैंथर्स रखे गए हैं। 10 दिवसीय इस आयोजन के दौरान सभी टीमें आपस में एक एक मैच खेलेंगी। फिर टॉप 4 टीमों के बीच सेमीफाइनल और फिर फाइनल मैच खेला जाएगा। सभी मैच BCCI और IPL के नॉर्म्स के मुताबिक खेले जाएंगे। विजेता टीम को 15 लाख और उप विजेता टीम को 11 लाख रुपयों का पुरस्कार दिया जाएगा। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है, 5 लाख के इनामी सहित 9 नक्सली गिरफ्तार। अलग अलग वारदातों में थे शामिल, विस्फोटक भी बरामद। बीजापुर पुलिस ने 5 लाख के इनामी नक्सली मद्देड़ एरिया कमेटी सदस्य सहित 9 नक्सलियों गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए नक्सली हत्या, IED लगाने, रोड काटने, पंपलेट लगाने और लेवी वसूली जैसे घटनाओं में शामिल थे। पुलिस ने थाना प्रभारी फरसेगढ़ के वाहन में IED ब्लास्ट करने की वारदातों में शामिल 5 आरोपी मिलिशिया सदस्यों को भी गिरफ्तार किया है। इन गिरफ्तार माओवादियों पर 10,000 का इनाम था। थाना मद्देड़ क्षेत्रांतर्गत सोमनपल्ली बंदेपारा के मध्य सर्चिंग के दौरान विस्फोटक के साथ 4 माओवादी गिरफ्तार किए गए हैं। वहीं 3 दिन पहले नक्सलियों के मद्देड़ एरिया कमेटी के सचिव बुचना ने एक प्रेस नोट जारी किया था। उसने मद्देड़ के बंदेपारा इलाके में हुए मुठभेड़ में मारी गई 8 लाख की इनामी नक्सली मनीला को पार्टी का सदस्य बताकर मुठभेड़ को फर्जी बताया। नक्सली नेता ने जवानों पर आरोप लगाया है कि जवानों ने महिला नक्सली मनीला के साथ एक और ग्रामीण की हत्या कर दी। वहां पर कोई मुठभेड़ नहीं हुआ था। उनकी हत्या के बाद जवानों ने संगठन के पार्टी सदस्य धर्मू उर्फ बुधू समेत 3 ग्रामीणों को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गए। नक्सली नेता का आरोप है कि जवान गिरफ्तार किए गए पार्टी सदस्य और ग्रामीणों को प्रताड़ित कर रहे हैं। उसने जल्द ही तीनों गिरफ्तार नक्सलियों के रिहाई की मांग की है। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है, लोकसभा इलेक्शन 2024। इतिहास में पहली बार दुर्ग जिले के 4 नेता बाहर जाकर चुनाव लड़े और सभी हार गए। छत्तीसगढ़ के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ। दुर्ग जिले के 4 दिग्गज नेता दूसरे जिलों में जाकर लोकसभा का चुनाव लड़े और चारों को हार का सामना करना पड़ा। इनमें कांग्रेस के 3 नेता पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और विधायक देवेंद्र यादव के साथ भाजपा की नेत्री पूर्व राज्यसभा सांसद सरोज पांडेय हैं। इस बार लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और भाजपा ने जब अपने प्रत्याशियों का चयन किया तो कांग्रेस ने इस बार दुर्ग जिले के नेताओं पर ज्यादा भरोसा जताया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जहां पार्टी ने राजनांदगांव से प्रत्याशी बनाया, वहीं ताम्रध्वज साहू को महासमुंद से मैदान पर उतारा। भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव को बिलासपुर से मैदान पर उतारा गया। इधर भाजपा ने भी पहली बार दुर्ग से राज्यसभा सांसद सरोज पांडेय को कोरबा से मैदान पर उतारने का काम किया। दुर्ग जिले के जिन भी नेताओं को दूसरे जिलों में प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा गया, उन सबको वहां की जनता ने सिरे से नकार दिया। जब नतीजे देर शाम तक सामने आए तो इसमें सभी को हार का सामना करना पड़ा। राजनांदगांव से भूपेश बघेल को भाजपा के संतोष पांडेय से हार का सामना करना पड़ा। महासमुंद में ताम्रध्वज साहू को भाजपा की रूप कुमारी चौधरी से मात मिली। बिलासपुर में देवेंद्र यादव को भाजपा के तोखन साहू ने मात दी। वैसे दूसरे जिलों में चुनाव लड़ने वालों में एक नाम पूर्व मंत्री शिव डहरिया का भी है। वे रायपुर जिला छोड़कर जांजगीर चांपा गए और उनको वहां पर हार का सामना करना पड़ा। इस तरह से देखें तो प्रदेश के 5 नेता दूसरे जिलों में चुनाव लड़े और सभी को उन जिलों की जनता ने नकार दिया।
साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। 11 लोकसभा सीटों में 3 महिला सांसद, 6 महिला प्रत्याशियों में 2 बीजेपी और 1 कांग्रेस ने जीती। छत्तीसगढ़ में 10 सीट बीजेपी और सिर्फ 1 सीट कांग्रेस ने जीती है। 11 लोकसभा सीटों में महिलाओं की भागीदारी 27% से ज्यादा रही है, जिसमें 3 महिला सांसद निर्वाचित की गई है। दूसरी बार 3 महिला सांसद बनने जा रही हैं। बीजेपी और कांग्रेस ने 3 सीटों पर महिलाओं को टिकट दिया था। बता दें, बीजेपी ने कोरबा से सरोज पांडे, महासमुंद से रूप कुमारी चौधरी, जांजगीर चांपा से कमलेश जांगड़े को उम्मीदवार बनाया था। वहीं कांग्रेस ने कोरबा से ज्योत्सना महंत, रायगढ़ से मेनका सिंह, सरगुजा से शशि सिंह को मौका दिया था। 11 लोकसभा सीटों में 6 महिला प्रत्याशियों में 2 बीजेपी और 1 कांग्रेस की प्रत्याशी ने जीत हासिल की है। कांग्रेस से ज्योत्सना महंत और बीजेपी से रूप कुमारी चौधरी और कमलेश जांगड़े ने परचम लहराया है। जांजगीर चांपा लोकसभा सीट भी बीजेपी ने जीत ली है। कांग्रेस से पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया को बीजेपी की कमलेश जांगड़े ने करीब 60,000 वोट से हरा दिया है। कमलेश जांगड़े को 6,60,262 वोट मिले, वहीं डहरिया को 6,01,747 वोट मिले हैं। महासमुंद लोकसभा क्षेत्र से ग्रेस प्रत्याशी पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू काफी पीछे चल रहे हैं। वहीं भाजपा की रूप कुमारी चौधरी 6,87,730 वोटों से आगे चल रही हैं। बीजेपी की रूप कुमारी चौधरी ने कांग्रेस के दिग्गज नेता ताम्रध्वज को बड़े मार्जिन से पीछे छोड़ दिया है। रूप चौधरी को करीब 6 लाख वोट पड़ गए हैं और 1 लाख से ज्यादा की बढ़त भी मिल गई है। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। चुनाव परिणाम के बाद कांग्रेस नेता कवासी लखमा की बिगड़ी तबीयत, डॉक्टरों ने दी आराम करने की सलाह। जगदलपुर बस्तर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी और कोंटा विधायक कवासी लखमा की अचानक तबीयत बिगड़ गई। उन्हें देर रात उल्टियां और सीने में दर्द हुई, जिसके बाद डॉक्टर्स ने उनका इलाज किया। अभी उनकी स्थिति सामान्य बताई जा रही है। डॉक्टर्स ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है। बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में हारने के बाद से कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा बेचैन थे। रात में उन्हें उल्टियां हुई, वहीं आज सुबह अचानक उनके सीने में दर्द उठा, जिसके बाद डॉक्टरों की टीम उनका इलाज करने घर पहुंची। फिलहाल उनकी स्थिति सामान्य बताई जा रही है। डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने को कहा है। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। विश्व पर्यावरण दिवस, मुख्यमंत्री साय ने सपरिवार अपने निवास परिसर में रोपा नीम, रुद्राक्ष और चीकू का पौधा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर 5 जून को अपनी धर्मपत्नी कौशल्या साय एवं परिवार जनों के साथ अपने निवास परिसर में चीकू, नीम और रुद्राक्ष का पौधा रोपा। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशवासियों से अपने घरों में और आसपास पौधा लगाने और पौधों को जीवित रखने की जिम्मेदारी लेने की अपील की। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि आने वाले मानसून में ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करें और अपने घर, आसपास के परिवेश, गांव और शहरों और जंगलों को खूब हरा भरा बनाएं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पर्यावरण के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इस अवसर पर DFO लोकनाथ पटेल, SDO VN मुखर्जी एवं मुख्यमंत्री निवास के अधिकारी कर्मचारी भी उपस्थित थे।